हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग फ़ोन है तो सैमसंग फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में कीबोर्ड प्रॉब्लम सॉरी इंटरनेट प्रॉब्लम है तो इंटरनेट प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं सैमसंग फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही और आइकन सब बने आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में इंटरनेट प्रॉब्लम है तो इंटरनेट प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा जनरल सेटिंग पे। क्लिक करते ही जनरल सेटिंग ओपन आएगी, फिर आपको क्लिक करना होगा इस ऑप्शन पे, देख सकते हैं आप। रीसेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो हमारे फ़ोन की इंटरनेट प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और इंटरनेट डाटा को यहाँ से रीसेट कर देंगे। रीसेट करते ही जो हमारे फ़ोन की इंटरनेट प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इंटरनेट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं सैमसंग फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।